हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का आपके चैनल एम स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में यूपी पीसीएस, एसएससी सीजीएल और यूपी लेखपाल, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मिलाकर ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड, और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं और इन प्रश्नों की आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट करिएगा या इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा फ्रेंड। या इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। इसके 50 प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला दे चुके हैं। ये श्रृंखला आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ही स्टार्टिंग में चैनल को एक लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुपों पर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा नेशनल मंडेला। फ्रेंड, यह बुक पूछी गई है पिछले कुछ सालों में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय के हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष माननीय श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा केरल राज्य को स्पाइस गार्डन नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड यहां पर सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए केरल को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर होगा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। फ्रेंड, अब हम आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से चार सबसे बड़े राज्यों का नाम बताते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है और फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आपको एक चीज और बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? आंसर होगा दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आंसर होगा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? आंसर होगा डॉक्टर विक्रम एम अंबलाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा गया है।
भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? आंसर होगा भारत द्वारा प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण 1975 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटलकन किस खेल से संबंधित शब्दावली है? आंसर होगा बेटलकन का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर होगा कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया किसने लिखी है? आंसर होगा जोसेफ लेली बेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? आंसर होगा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। यह युद्ध 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? आंसर होगा जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर होगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। यही युवा अवस्था आने पर 206 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा विटामिन ई ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि रेखांश कहां से गुजरती है? आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? आंसर होगा 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर होगा 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? आंसर होगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा स्कार्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा तत्व उपलब्ध होता है? आंसर होगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है? आंसर होगा सल्फर घटक के कारण लहसुन में विशेष गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में
भोजन बनाते हैं? आंसर होगा हरे पौधे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पत्तियों के सहयोग से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप है? आंसर होगा आलू तने का संशोधित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहाँ से श्वास लेती है? आंसर होगा मछली गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? आंसर होगा एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा हृदय का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? आंसर होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, यह यूएसए का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1948 ईस्वी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंसर होगा एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण करने की इकाई कौन सी है? आंसर होगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा विलियम शेक्सपियर द्वारा हेमलेट पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव युवतियों हेतु राजीव गांधी शक्तिकरण योजना जिसका नाम सबला है, किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए चलाया गया है? आंसर होगा सबला सशक्तिकरण योजना 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आय कर में कितनी छूट प्राप्त होती है? आंसर होगा धारा 80G के तहत 100% की छूट प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर होगा एजी नूरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में
दो सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? आंसर होगा इंग्लो इंडियन समुदाय। लेकिन फ्रेंड अब इसका प्रावधान हटा दिया गया है। अब लोकसभा में कुल 550 लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में स्थित है? आंसर होगा स्पेन में विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है? आंसर होगा वह रेनिन नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको UNEP कहते हैं, इसका मुख्यालय केन्या देश के नैरोबी शहर में स्थित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आंसर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करें और अपने सभी ग्रुपों पर शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।